नमस्कार, सीएमएन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कनिका। यूपी के सीएम योगी ने 15 जून 2018 तक प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का दावा किया था, लेकिन लगभग 10 महीने ऊपर का समय बीत चुका है और सड़कों की तस्वीर ज्यादा बदली नहीं है। यूपी की सड़कों पर आज हमने की है बड़ी पड़ताल। इस खबर पर हमारे 4 सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। बुलंदशहर से रजवान अंसारी, रामपुर से सफदर, गाजियाबाद से अकरम सैफी और मुरादाबाद से नसीम खान। सबसे पहले मैं रिजवान आपके पास आना चाहूंगी। जी रिजवान, क्या वजह है कि शहर के रास्तों पर सड़क ढूंढनी पड़ती है मुसाफिरों को? जगह जगहों पर गड्ढे बहुत हैं, गड्ढों की वजह से चलने वाले यात्रियों को, वाहनों को परेशानी हो रही है। मुसाफिर जो है गड्ढों की वजह से सड़क को ढूंढते हैं, सड़क में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है। ये मैम, हमने आज पूरा सर्वे किया है। सीएमएन न्यूज चैनल की टीम पूरे सर्वे पे रही है और आज पूरा सर्वे किया है। हम खुर्जा से निकले हैं, बुलंदशहर हमने देखा है, ग्रेटर नोएडा देखा है, सिकंदराबाद देखा है, नोएडा देखा है, गाजियाबाद देखा है। जगह जगह पर सड़क पर इतने गड्ढे हैं कि वाहनों को बहुत परेशानी होती है और ये कह सकते हैं कि गड्ढे में सरकार ही गड्ढा बन के रह गई है। जहाँ तक सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जैसे दावा था कि उत्तर प्रदेश में सरकार गड्ढा मुक्त बनाई जाएगी, लेकिन गड्ढा युक्त ही बनकर रह गई है। जगह जगह पर गड्ढे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने क्या काम किया है। जी। ये उनका काम खुली किताब की तरह है, देखा जा सकता है। जगह जगह पर गड्ढे ही उनके कार्य की पहचान बता रहे हैं। आखिर इस बार सरकार इनका निर्माण क्यों नहीं कराया गया? निर्माण आखिर कब तक किया जाएगा इसका? देखिए, जहां तक सवाल निर्माण का है, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति और जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के कारण ही और भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से ही सड़क का निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है और निर्माण कार्य के नाम पर सड़क पर मात्र गड्ढे भरने का काम किया जा रहा है, पैमद लगाने का काम किया जा रहा है। क्या ट्रैफिक या हैवी व्हीकल जिम्मेदार है इस तरह की सड़कों की खस्ता हालत के लिए? देखिए, खस्ता हालत के लिए सरकार तो जिम्मेदार है ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो जनप्रतिनिधि हैं और जो पुलिस, जो प्रशासन है, उनकी भी पूरी जिम्मेदारियां हैं, जो कि भ्रष्टाचार के चलते वो उस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं। सरकार तो जिम्मेदार है ही, क्या हैवी व्हीकल या ट्रैफिक भी जिम्मेदार है इन खस्ता हाल सड़कों के लिए? जिम्मेदारी तो है और सभी की भी है, जिम्मेदार तो सभी हैं, लेकिन असली जिम्मेदारी तो सरकार की है। सब रिजवान, प्रदेश के सीएम योगी ने सत्ता संभालते ही दावा किया था कि 15 जून तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन हुआ क्या सीएम योगी के दावे का? देखिए, अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दावा तो किया था कि 15 जून 2018 में ही सड़क निर्माण कार्य किया जाएगा और पूरे प्रदेश को गड्ढा मुक्त बनाया जाएगा, लेकिन गड्ढा मुक्त की जगह गड्ढा युक्त ही बनाया गया है। जो फुटेज हमने अपने कैमरे में कैद किए हैं वो आप देख सकते हैं, वो इस बात की गवाही हैं कि सड़क निर्माण कार्य के नाम पर मात्र पैमद लगाने का नाम किया जा रहा है और इसके अलावा कई जगहों पर सड़क का निर्माण हुआ है, लेकिन इतनी घटिया सामग्री लगाई गई कि वो सड़कें ही उखड़ गई। रिजवान, स्थानीय लोगों का क्या कहना है शहर की टूटी और जर्जर सड़कों को लेकर? जनता का कहना यह है कि जी, इस सरकार में जो सड़क निर्माण कार्य हुआ है वो बहुत सस्ती लागत से हुआ है, जिसकी वजह से सड़कें उखड़ गई हैं, जगह जगह पर गड्ढे हैं जिनमें पानी भर जाता है, गड्ढे हो जाते हैं जिनकी वजह से वाहन भी पलट जाते हैं, वाहनों में एक्सीडेंट हो जाता है और सैकड़ों लोगों की अब तक इन दुर्घटनाओं में मृत्यु भी हो चुकी है। अगर आप देखें तो अभी हम अगर बात करें मेरठ से हरियाणा जाने वाले हाईवे रोड की, तो वहाँ देखिए बहुत बुरी, बहुत खस्ता हालत है और इतने गहरे गड्ढे हैं कि गाड़ियाँ पलट रही हैं, एक्सीडेंट हो रहा है। शामली से हरियाणा जाने वाला रोड है, उसका भी यही हाल है और बुलंदशहर का तो कमाल ही हो गया, गड्ढा ही गड्ढा है, सड़क तो नाम ही नहीं रहा है। अगर हम मुरादाबाद की बात करें तो वहाँ का भी यही हाल है, मेरठ की बात करें तो यही हाल है और यहाँ तक है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ का भी यही हाल है, जहाँ हर जगह गड्ढा ही गड्ढा हो रहा है। रिजवान, टूटी सड़कों पर आए दिन सड़क हादसे भी होते हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन है कि अभी तक चुप है, मौन है, क्या अधिकारी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक सवाल हादसे का, उसके लिए ट्रैफिक पुलिस
और स्थानीय पुलिस जिम्मेदार है, लेकिन क्योंकि रोड पर पटरी पर आगे तक वो अपना सामान लगा लेते हैं, रोड शॉर्ट हो जाता है, गड्ढे हैं, उसकी वजह से गाड़ी पलट जाती है और हादसे हो जाते हैं और भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से रोड को जाम किया जाता है और रोड पर आगे तक पार्किंग को भी घेर लिया जाता है। पुलिस की तरफ से बयान दिया जाता है कि खुद की सुरक्षा कैसे करें, वो बताते हैं, लेकिन इस तरह के गड्ढों से खुद की सुरक्षा हम कैसे करें? देखिए, जहां तक सवाल सुरक्षा का है, पुलिस अधिकारी तो दावा करते हैं कि हम सुरक्षा दे रहे हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप खुद देखेंगे सड़क पे जिस तरह से जाम लगता है, जाम की मेन वजह भी यही है कि पटरियों पर आगे तक जो है लड़के जाम कर लेते हैं और वहाँ बैठकर अपना सौदा बेचते हैं, ठेलिया लगा देते हैं, जिसकी वजह से वाहनों में दुर्घटना हो जाती है और मृत्यु हो जाती है। अवैध अतिक्रमण भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जिम्मेदार है और सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। शुक्रिया रिजवान आपका तमाम जानकारी के लिए। अब मुरादाबाद से नसीम खान हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं कि मुरादाबाद की सड़कों के हालात कैसे हैं, वहाँ की तस्वीर कैसी है। जी नसीम, किस तरह की तस्वीरें हैं मुरादाबाद की सड़कों की? मैं आपको बता दूं, मुरादाबाद के अंदर जो सड़कें हैं, सड़कों में गड्ढा नहीं, गड्ढों में सड़क है, और यहाँ की जो लोक निर्माण विभाग है वो इस कदर लापरवाही बरतता है कि कह नहीं सकते। आए दिन यहाँ हादसे होते रहते हैं, उसके बावजूद भी लोक निर्माण विभाग सिर्फ पैचवाल कर देता है सड़कों पर, उसके बाद ये भूल जाता है कि इन सड़कों की देख रेख भी करनी है। जी नसीम, सड़कों की हालत इतनी दयनीय है, लेकिन लोक निर्माण विभाग क्या कर रहा है? मैं आपको बता दूं, लोक निर्माण विभाग की सीधी थ्योरी यही होती है कि हम लोग वर्क कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोक निर्माण विभाग बिल्कुल ही लापरवाही बरतता है और हमें कहीं भी शहर में लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी काम करते नजर सड़कों पर नहीं आते। और यह एक्सीडेंट का भी आए दिन बोलबाला, अभी 27 वर्षीय एक युवक की सड़क हादसे में मौत हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी हो हल्ला होने के बाद भी लोक निर्माण विभाग की तरफ से कोई अधिकारी कर्मचारी घटनास्थल तक नहीं आया और पुलिस ने मामले को रफा दफा करने की कोशिश भी की, लेकिन मामला रफा दफा होता ना देख उसके बाद कर्मचारी हरकत में आए और वहाँ गड्ढों को पैचवाल करके सही करने की कोशिश की गई। जी यानी कि प्रशासन की ओर से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है यहाँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगों का हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो उम्मीद करते हैं ये तस्वीरें देखकर संबंधित विभाग की आंख खुलेगी और मूलभूत सुविधाओं के तहत बेहतर सड़क शहरवासियों को मिल पाएगी।